अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज फिजिक्स क्लास 10 का टॉपिक देखेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ दरअसल एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने देखा चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन किस तरह होती है। ठीक है, आज हम देखें कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है इसने लॉ पेश किया था 1785 के अंदर। ठीक है, और इस वक्त इसकी एज थी तकरीबन 49 ईयर्स। ठीक है, और इसकी जो बर्थ है, इसकी बर्थ थी, बर्थ डे जो है इसकी 1736 है। ठीक है, और इसकी जो डेथ है, इसकी डेट जो है 866। ठीक है, कूलम लॉ कब पेश किया गया? 1785 के अंदर। उस वक्त इसकी एज थी 49 ईयर्स और इसके डेट ऑफ बर्थ गया 1736 और डेथ गया इसकी 1806। ठीक है, अब कूलम्स ने किसको बयान किया? चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन को। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसने किसकी बात की? अट्रैक्शन की बात की है, अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात की है। अट्रैक्शन और रिपल्शन को उसने एक्सप्लेन किया। ठीक है, मतलब चार्जे किस तरह, किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और किस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इसने एक्सप्लेन किया फोर्सेस को, चार्जे के दरमियान किस अट्रैक्शन से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और किस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसने की चार्जेस के दरमियान चार्जेस के मैग्नीट्यूड की बात की है। चार्जेस के मैग्नीट्यूड, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होगी। मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी। देखिए, मैं यहाँ पर दो चार्जेस ले रहा हूँ, एक क्यूब चार्ज 1 है, एक क्यूब चार्ज 2। अब कुछ और चार्ज ले रहा हूँ सिर्फ Q1 और Q2। अब बताएं इन दो चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी या इन दो चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन ज़्यादा होगी? डेफिनेटली इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। दीज चार्जेस हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी क्योंकि दीज हैव स्मॉल मैग्नीट्यूड। तो जिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होगा उन चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी, और जिन चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उनके दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर इसने बात की चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की। ठीक है, चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फोर्स के ऊपर, अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम करें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, अब मैं दो चार्जेस ले रहा हूँ आगे, Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज। ठीक है, फिर इस तरह सेम चार्ज ले रहा हूँ Q1 और डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया। अब बताएं ये दो चार्जेस एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे या ये चार्जेस? डेफिनेटली ये चार्जेस, इनके दरमियान 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है फॉर लेट करें और इनके दरमियान 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। अब ये चार्जेस जो है एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस कम है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है चार्जेस के दरमियान, अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगी। ठीक है, अब मैथमेटिकली देखते हैं इसको। देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इसको इक्वेशन मान कर दें। ठीक है, देखिए अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर चार्जेस का मैग्नीट कम होगा तो फोर्स भी कम होगी। फिर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r². ठीक है, अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो फोर्स कम होगी, तो उसको पढ़ इनवर्सली, इसके क्वेश्चन 2 कर दें। अब दोनों क्वेश्चन कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
ठीक है, दोनों कंबाइन करके लिखे फोर्स प्रोपोर्शन देखिए क्यू वन क्यू टू बाई आर टू, दोनों कंबाइन कर लिया तो ये आ गया हमारे पास। अब इस कांस्टेंट की जगह हम क्या दिखाएंगे, इज इक्वल आएगा और साथ में क्या किया कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल और के लगाएंगे, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर वैसे आएगा। ये हमारे पास क्या डेरिवेशन है कूलम लॉ की, ये फार्मूला कूलम लॉ। अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 इंटू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये फार्मूला के की वैल्यू इतनी होती है 9 मल्टीप्लाई 10 इंटू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब देखिए चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना क्यू वन क्यू टू उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो किया ना के को हम इसके इक्वल भी कर सकते हैं, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ सी लॉग नॉट, ठीक है। के इसके बराबर भी होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ सी लॉग नॉट। ये जो एफ सी लॉन इसको हम परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है, इसको एफ सी लॉन पढ़ते हैं एफ सी लॉन नॉट। तो इस तरह आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि डेली की वीडियो आपको मिले। Take care, Allah Hafiz. Baby, I don't even know what I'm on top. Cocaine on the table, liquor pawn. Don't give a damn, dude, your government is a